Hello and welcome, dear students. I hope I am quite visible and audible quite properly, है ना. बढ़िया से अच्छा से visible हूँ, अच्छे से मैं दिख रहा हूँ आपको. So कैसे हैं आप सब लोग. ये डायलॉग कौन भेज रहा है. हो गया इश्क, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ फंस गए तुम. सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियोस आएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज एक नया स्टार्ट था तो इसलिए मैंने सोचा कि नया चैप्टर स्टार्ट ले लेते हैं. सो यू आर यस सॉल्यूशन के बारे में हमें पूरी चिंता है, आप लोगों की पूरी चिंता है, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना बेटा. तो एक बार मैं चेक कर लूँ क्या हो गया. ऐसे गुस्से वाली स्माइली क्यों, कौन भेज रहा है, क्या हो गया, आपस में ही लड़ लिएगा तुम लोग. ठीक है, स्वागत नहीं करेंगे. अरे 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 कर रहे हैं कर रहे हैं. चलिए तो स्टार्ट करें अमेजिंग सेशन को. यस, जीओसी की सेशंस आपको पता है कि हमने कल के लिए 8:30 के लिए लगा दी हैं. वापस से वी विल बी रिज्यूमिंग. 2 सेशन और बचा हुआ है, जीओसी फिर आइसोमेरिज्म. अपन 7-8 तारीख तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे 11th ऑर्गेनिक. चलिए तो आज हमारा प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट. उसका है लेक्चर नंबर 1. अब सॉलिड्स की लेक्चर्स की इंट्रो पार्ट है आज पूरा कि सॉलिड होता किस तरह से है, लैटिस किसको बोलते हैं, क्यूबिक लैटिस किसको बोलते हैं, यूनिट सेल किसको बोलते हैं. तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में और आपको बहुत एंजॉय करेंगे आप लेक्चर्स को. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू कि मुझे दोस्ती करनी बहुत पसंद है और आपको भी मुझसे. और दूसरी वो दोस्ती आप यहाँ पे दिखा सकते हैं बाय क्लिकिंग द लाइक बटन. दूसरा मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो उस लाल वाले बटन को तोड़ देना, तभी आपको आगे के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, ठीक है. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है. यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल सो दैट आपको प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे मिलते हैं लेक्चर्स के बाद. और वो आप ही के जो फ्रेंड्स होते हैं ना उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ होता है सेम लेक्चर का. और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डाउट डिस्कशंस भी होते हैं फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए. एंड इसमें नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है ना. चलिए सो अरे भाई सॉल्यूशन कंप्लीट करा देंगे, अब रुक जाओ, पढ़ाने दो, ठीक है. स्टॉप इट फरहान, प्रज्योत एंड एवरीबडी, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ मैं घूम लिया भाई, घूम लिया, ठीक है, घूम लिया. सर आपसे गुस्सा है. अरे भाई अभी आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पता है क्यों. अब मैं घूमू भी ना, मतलब गजब करते हो यार. 1-2 दिन तो घूम लेना भी अच्छा रहता है, क्यों, सो दैट आई यू नो वो एनर्जी रिस्टोर हो जाती है. आपसे गुस्सा है, ओके, गुस्सा अभी ठंडा हो जाएगा. पता है कैसे, इतना मस्त पढ़ने वाले सॉलिड स्टेट. आपको लगेगा कि यार क्यों डरता था मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर से, इतना आसान तो है, ठीक है. चलो यहां पे आते हैं बेटा. बाहुबली कोड अगर आप लगाते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप्स वगैरह में, ठीक है ना. तो 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी लेते हैं तो 1 अगस्त तक वैलिड रहेगा आपका ये सब्सक्रिप्शन. कहने का मतलब है 4 मंथ के लगभग सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड प्यारा सा बाहुबली, ठीक है. एंड यस, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो फिर अगेन डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड बाहुबली. अगर आप बेटा 11th-12th में हैं और चाहते हैं बहुत अच्छी रैंक से अपनी नीट को क्लियर करना, देन गो फॉर दीज सब्सक्रिप्शंस. क्वाइट अफोर्डेबल, काफी कॉस्ट इफेक्टिव, और हाँ क्वालिटी इंश्योरेंस हमारी तरफ से जरूर मिलेगी. तो यहां से अगर आप मेहनत करना चालू करते हैं आज से ही तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं नीट को. इनफैक्ट समय तो आपके पास पूरा ही है, हाँ बहुत अच्छे से आप इनफैक्ट जरूर कर सकते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड चैप्टर अपना, सॉलिड स्टेट. देखिए हमने गैस स्टेट पढ़ लिया है, हमने लिक्विड के बारे में पढ़ लिया है, अब हमारे सॉलिड के बारे में. तो सॉलिड स्टेट चैप्टर कैसा है, सुनिएगा सब लोग सुनिएगा, आप गौर से सुनिएगा और बहुत इंटरेक्टिव आप लोग सब जवाब दीजिएगा कमेंट्स में. मैं आपसे सवाल पूछूंगा और इस तरह से हम लेक्चर को आगे लेके जाएंगे. See, we have solid. और solid बेटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है amorphous solid. आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा है, कहां पे, मुझे बस आप ये बता दीजिए. जब मैं आपको बोरोन फैमिली पढ़ा रहा था तो क्या मैं आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन बोरोन, amorphous बोरोन, सुना था ना. यस, तो आपने ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल्स देख रखे हैं, बस डेफिनेशन अभी हम इस चैप्टर में पुट आउट करने वाले हैं, ठीक है. सो गेट रेडी नाउ. अभी देखिएगा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड दो तरह के होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। अब मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितने लोगों ने ये सुन रखा था क्रिस्टलाइन बोरोन और एमोर्फस बोरोन। एक और ऐसा ही कुछ सुना था आपने कार्बन से रिलेटेड, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, बकमिंस्टरफुलरीन जहां था। उसी तरह आपने सुना था कोक, कोल और लैंप ब्लैक, कहां पे, एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में। तो सुना तो हुआ है ना आपने, है ना बेटा। चलिए, तो ये पहला एग्जाम्पल आपने सुन रखा है बोरोन के बारे में कि क्रिस्टलाइन बोरोन, एमोर्फस बोरोन। दूसरा एग्जाम्पल आपने सुन रखा है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये तीन जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। सिमिलरली कोक, कोल और लैंप ब्लैक जो है ये अपने क्या होते हैं, एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं। आपको डेफिनेशन भी पता चल गया, आपको एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पता थे, बट फिर भी आपके दिमाग में अभी क्लैरिफिकेशन उतनी नहीं आई है कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एमॉर्फस सॉलिड। आपकी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, आपकी डेफिनेशन पता हो गया और एग्जाम्पल जरूर पता है। अभी क्लियर कर देते हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी क्लियर कर देते कि एक्चुअली में यहां डिफरेंस किस बात का आता है, किस बेसिस पे मैं बोलता हूं कि ये क्रिस्टलाइन है, किस बेसिस पे मैं बोलता हूं कि एमॉर्फस है। सुनिएगा, अभी चलते हैं। जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना बेटा, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एमॉर्फस। हमेशा रिलेटिव सोचिएगा, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। सो इन क्रिस्टलाइन, अगर किसी सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो मैं उसको रखूंगा किस कैटेगरी में, क्रिस्टलाइन में। और अगर डेंसिटी कम हो गई मेरे दोस्त तो उसको मैं रखूंगा एमॉर्फस में। अरे बात समझ में आई बहुत प्यार से, सुनिए। सो पहली चीज जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को अलग करती है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी यू कैन डू। दूसरा, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। देखो बेटा, इसमें ग्रेफाइट, डायमंड को रखा गया है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, तो क्रिस्टलाइन का जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है, स्ट्रेंथ इज हार्ड, यहां पे ज्यादा है, स्ट्रेंथ यहां पे मोर है। सो द सेकंड जिस पे आप क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को अलग अलग कर सकते हैं वो है स्ट्रेंथ पे। पहला चीज डेंसिटी पे, दूसरा स्ट्रेंथ पे। यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटा, यहां पे स्ट्रेंथ कम है, आपको दिख रहा होगा। तो कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के, बस हमने अभी तक दो चीजें पढ़ा है। क्रिस्टलाइन कौन होता है, जो स्ट्रांग होता है, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और एमॉर्फस उसका अपोजिट। सिमिलरली जिसका डेंसिटी ज्यादा वो कौन, क्रिस्टलाइन, और उसका उल्टा एमॉर्फस। उसके एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे थे, उसके एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कहां पे, क्रिस्टलाइन बोरोन और एमॉर्फस बोरोन में पढ़ रखे क्या बेटा, यस। उसी तरह हमने क्रिस्टलाइन कार्बन और एमॉर्फस कार्बन पढ़ रखा है। चलिए, तो अब डेफिनेशन भी क्लियर हुआ क्रिस्टलाइन को, और डेफिनेशन भी क्लियर हुआ एमॉर्फस के बारे में। नाउ लेट्स फोकस। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही होगी कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में कुछ और चीज है, ऐसा क्या है। फिर से कॉन्सेप्ट में घुसते हैं, रटना बेटा मना है। फिर से और कॉन्सेप्ट में घुसते हैं, ऐसा कौन सा चीज है जो इसकी डेंसिटी को ज्यादा कर रहा है। सपना थोड़ी आएगा कि भाई किसी का डेंसिटी ज्यादा है, किसी का डेंसिटी कम है, और रटना तो हमें पड़ता ही है केमिस्ट्री में। सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्त, स्ट्रेंथ ज्यादा है इसका, ये मैं रटना थोड़ी है कि हमें कैसे पता चले कि स्ट्रेंथ ज्यादा, हमें कैसे पता चले डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब सुनिएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम। सुनिए, ये जितने भी मैं आपकी प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कर रहा हूं ना, कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये सारा किससे गाइड होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ द एटम से गाइड होता है। जो हमारा क्रिस्टलाइन है ना, दिस इज ये क्रिस्टलाइन है ना, यहां पे अरेंजमेंट ऑफ द एटम का ही डिफरेंस होता है। अगर मेरे पास रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब मैं आपको समझा दूं कि मेरे पास एक एटम है, फिर दूसरा एटम है, फिर तीसरा एटम है। पहली बात तो ये क्लोजली पैक्ड है। रेगुलर अरेंजमेंट का और बेहतरीन तरीका मैं बताता हूं। पहली बात तो बेटा ये क्लोजली पैक्ड होंगे, और रेगुलरिटी का मतलब होता है अगर ये एट एटम है तो ये बी होगा, फिर ये ए होगा, ये बी होगा। कहने का मतलब है बहुत रेगुलर आपको व्यू यहां पे नजर आ रहा होगा। कहने का मतलब है द एटम्स की जो पैकिंग है, जो एटम्स की अरेंजमेंट हो रही है मेरे प्यारे दोस्त, आप देख सकते हो, यही इसको क्रिस्टलाइन बनाता है, यही इसकी डेंसिटी को ज्यादा करता है, यही इसके स्ट्रेंथ को ज्यादा करता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम। अगर हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर इन सेंस सिमेट्रिक, अगर हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट है तो मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर मेरे पास इररेगुलर अरेंजमेंट है इस टाइप का, अगर मेरे पास इररेगुलर अरेंजमेंट है इस टाइप का, तो वो एमॉर्फस होगा। और डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊं एमॉर्फस की और डिटेल में अगर समझाऊं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको दे दूं। तो ये देखिएगा, अगर यहां पे ए है तो जरूरी नहीं कि यहां पे बी हो। रेगुलर अरेंजमेंट पे इट वाज मस्ट कि ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए, इट वाज मस्ट, द पैटर्न वाज वेरी फिक्स्ड। बट एमॉर्फस की अगर मैं बात करता हूं तो बी के बाद बी भी हो सकता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, बी के बाद फिर से बी हो सकता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, बी के बाद फिर से ए हो सकता, मतलब देयर इज नो एनी डेफिनेट पैटर्न, कोई रिपीटिंग पैटर्न है ही नहीं, इसी को बोलते हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट। और रेगुलर अरेंजमेंट होता तो क्रिस्टलाइन हो जाता, अगर इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो एमॉर्फस होना तय है। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए यहां पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, अगर यहां पे कुछ भी हो सकता है, बी बी बी, सब बी ही हो सकता है, सब ए हो सकते हैं, फिर ए बी बी ए, या फिर ए कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपके मन की कहानी, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली अगर हमारे पास रेगुलर पैटर्न है, रेगुलर अरेंजमेंट है, तो वो कौन होगा? अरे बोलो, क्रिस्टलाइन। अगर हमारे पास इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो वो कौन होगा? अरे बोलो, तो वो एमॉर्फस होगा। इसी चीज को मैं यहां पे, रेगुलर अरेंजमेंट कौन होता है मेरे पास? रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सो रेगुलर अरेंजमेंट किसको, रेगुलर अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस के लिए क्या लिख दूं? एमॉर्फस के लिए उल्टा लिख दूंगा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो एमॉर्फस के लिए मैंने लिख दिया बेटा इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट आपके ऊपर आते हैं, अब कुछ डिफरेंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्या डिस्कस करने वाला हूं? आई एम नाउ गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस। अभी हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि बेसिकली व्हाट यू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट यू मीन बाय एमॉर्फस सॉलिड। हमने उसके डेफिनेशन पार्ट को देखा, एग्जाम्पल पार्ट को देखा, कॉन्सेप्ट को देखा, फिर किन किन चीजों में डिफरेंस है हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। और मजेदार है आपके पूरा क्वेश्चन का पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आए पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे खासे आपके नीट में आते रहे। अब सुनिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, ऑलरेडी आपने देखा है कि अगर फिक्स पैटर्न है, अगर रेगुलर अरेंजमेंट है, तो वो क्रिस्टलाइन होगा। बात समझ में आ रही है? बेटा पहला वाला तो आपने ऑलरेडी देख रखा है, दिस इज द पार्ट ऑफ डेफिनेशन। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो वो क्रिस्टलाइन होगा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है या फिर रैंडम अरेंजमेंट है तो फिर क्या होगा? वो एमॉर्फस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छा, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे लेके चलता हूं। पहला वाला तो क्लियर है ना, जो दूसरा टर्म है ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा। दूसरा टर्म है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो लॉन्ग रेंज का ऑर्डर होता है और एमॉर्फस सॉलिड है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अभी क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रेंज ऑर्डर, समझते हैं बेटा। सेकंड वाली पॉइंट को अपन समझते हैं। यहां पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर समझने के लिए यस अपने पास यहां जगह है, मैं बता देता हूं। ठीक है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर समझने के लिए थोड़ी सी मेरी कलाकृति को देखना पड़ेगा। कलाकृति मतलब आप वो मत समझना कि किसी लड़की का नाम बोल रहा हूं, कलाकृति का मतलब होता है कि मेरी ड्राइंग को देखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपके दिमाग में थोड़ा सा वही सब चीजें चलती है, तो थोड़ा सा मैंने आपको संवैधानिक चेतावनी दे दी है। चलिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है दोस्त, अगर ये हमारे पास ए है, बगल वाला मेरे पास बी होगा, बगल वाला मेरे पास ए होगा, बी होगा, ए होगा, अगर यहां पे कोई पार्टिकल होगा तो बी होगा, कोई और पार्टिकल होगा तो क्या यही क्रिस्टलाइन है बेटा? क्या इसी का नाम क्रिस्टलाइन है? क्योंकि ये फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद ए। अरे हाँ या ना? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां ए है तो उसके बगल में मुझे बी रखना पड़ेगा, अगर ये बी है तो उसके नीचे मुझे ए रखना पड़ेगा, अगर ये बी है तो इसके बगल में ए रखना पड़ेगा। सिमिलरली आप देख सकते हो, इतना तो आप शातिर हो ही सही। ठीक है ना, यस, तो इसी को कहा जाता है बेटा, क्या इसी को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, कलाकृति नहीं बेटा, इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, चलिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए मैंने आपको एक डेफिनेट पैटर्न हो रहा है, ठीक है ना, एक डेफिनेट पैटर्न हो रहा है जिसपे ये काम कर रहा है। सुनिए आप, जिसपे ये एक्चुअली अरेंजमेंट है। अब सुनिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अगर पैटर्न लंबे समय तक लॉन्ग रेंज तक है, सुनिएगा, पैटर्न रिपीटेटिव है बेटा, एबी फिर एबी फिर एबी फिर एबी, इट्स अ लॉन्ग रेंज। अच्छा, ये कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहेगा ना इंफिनिटी तक, लंबे रेंज तक अगर कंटिन्यूअस पैटर्न मिल रहा है उसी को लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। अगर लंबे रेंज तक आप देखो, एबी फिर एबी फिर एबी फिर एबी, और बनाते जाओ, एबी फिर एबी फिर एबी, पर एबी नहीं फिर एबी, ठीक है। तो अगर लॉन्ग रेंज तक पैटर्न रिपीटिंग है उसी को तो क्रिस्टलाइन बोलेंगे, क्योंकि डेफिनेट पैटर्न होता है, रेगुलर अरेंजमेंट है, इसी को बोला जाता है लॉन्ग रेंज, इसी को बोला जाता है बेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर जो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट है वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो, ये वो वाला लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस कहने का मतलब है लंबी दूरी तक है, इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्त शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तो ये तो मैंने बना दिया किसका, ये मैंने बना दिया आपके पास ये मैंने बना दिया आपके पास, ये है आपके पास क्रिस्टलाइन। अब मैं आपको एमॉर्फस बना देता हूं। एमॉर्फस के लिए आपको पता है कि फिक्स पैटर्न का होना जरूरी नहीं है, एमॉर्फस के लिए फिक्स पैटर्न का होना जरूरी नहीं है। सुनिए देखिए किसको, कलाकृति को। क्या होता है कि जैसे एमॉर्फस है तो ये ए है, हो सकता है ये भी ए हो, कोई डेफिनेट पैटर्न थोड़ी ना है, कुछ भी हो सकता है, लाइक ए बी, ए बी, ए ए ए, कुछ भी हो सकता है, आपके मन की कहानी है, बी बी ए, ए बी ए ए, फिर बी ए, फिर बी, कुछ भी हो सकता है। अब क्या यहां पे रेगुलर अरेंजमेंट लंबी दूरी तक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक है? नहीं। अगर मैं यहां ए ए देख रहा हूं तो आगे ए ए मिलेगा ही नहीं, मतलब लंबी दूरी तक कंटिन्यूअस अरेंजमेंट नहीं है, इसी को बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सो रेगुलर अरेंजमेंट शॉर्ट डिस्टेंस तक ही मिले, जैसे यहां देखो ए भी मिला, फिर ए भी मिला, लेकिन खत्म हो गया, उसके बाद नहीं मिल रहा है, तो बहुत छोटे से डिस्टेंस तक ही अरेंजमेंट हो, तो फिर इसको हम बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल आ चुके हैं और आएंगे भी। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना हमारे पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल देखा आपने, डायमंड आपने देखा है, ग्रेफाइट आपने देखा है, बकमिंस्टरफुलरीन आपने देखा है, क्रिस्टलाइन बोरॉन। सो जितने भी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना उनके पास वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज वेरी शार्प। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है ग्राफ से समझाऊंगा। दूसरा, इनके पास जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स होता है। फिक्स कहने का मतलब ये कांस्टेंट होता है बेटा। आपने पढ़ा भी है लिक्विड सॉल्यूशन में कि किसी भी सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। इनफैक्ट ये 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं, एक बार और समझा दूंगा ग्राफ के थ्रू। पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है। सुनिएगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मैं एक ग्राफ बनाता हूं आपको। यहां पे मैं रख देता हूं, वाई एक्सिस पे मैं रख देता हूं टेम्परेचर, और मैं एक्स एक्सिस पे रख देता हूं बेटा टाइम। कोई दिक्कत? वाई एक्सिस पे मैं रख देता हूं टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे मैं रख देता हूं टाइम। गौर से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। कोई भी मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, n नंबर ऑफ कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लीजिए। मैंने क्या किया, उसका टेम्परेचर हीट देना चालू किया, तो हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली। हीट देने पे उसका टेम्परेचर बढ़ा, देख सकते हो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये भी ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मेल्ट करने लगेगा। भाई किसी भी चीज को अगर हीट करोगे तो पिघलेगा ना यार, मेल्ट तो करेगा ना, कॉमन सेंस। तो भाई अगर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट दिया तो वो मेल्ट करेगा, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट करेगा, और जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करता है क्या मैं उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलता हूं, देख लो। तो बेटा ये वाला जो टेम्परेचर है उसी को मैं एमपी लिख देता हूं, ये मेल्टिंग पॉइंट है। अब होता क्या है, अगर मैंने कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया है इस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना शुरू हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि सारा का सारा मेल्ट हो गया, जितने भी मैंने सॉलिड लिए थे वो मेल्ट हो जाएगा, नहीं, इस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू हुआ है, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट हमने यहां तक समझ लिया, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि सॉलिड जब मेल्ट होना चालू होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका जो जब पूरा मेल्ट नहीं होता ना तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, तब तक जो इसका हीट ऑफ फ्यूजन है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। आपने लेटेंट हीट का नाम सुना होगा, समझ रहे हो कि इनफैक्ट हम हीट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब आप हीट दोगे तो टेम्परेचर को बढ़ना चाहिए। ऐसा क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है? तो जब आप हीट देते हो तो जो एक्स्ट्रा हीट आप दे रहे हो ना वो लेटेंट हीट के फॉर्म में चला जाता है। और लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट जो वैसी एनर्जी जो आपके सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच के इसके तोड़ने में काम आता है, एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ने में काम आता है, वो वाला लेटेंट हीट यहां काम आ जाता है। अभी समझाता हूं। फिर क्या होता है बेटा, यहां से जैसे ही वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इतने फेज तक उसमें सॉलिड भी होता है और उसमें लिक्विड भी होता है। कहने का मतलब है अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में ले रहा हूं, सुनिएगा गौर से बेटा, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहा हूं, ठीक है, यस, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहा हूं तो मैंने टेम्परेचर हीट दिया, तो हीट देने पे टेम्परेचर तो बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा या एक ऐसा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट है जिसपे कि हमारा जो सॉलिड है वो पिघलना शुरू करेगा, चालू करेगा, ठीक है ना। तो वो वाली टेम्परेचर को मैं मेल्टिंग पॉइंट बोल देता हूं। और गौर से सुनिए बेटा, यहां जो सॉलिड है ये टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हुआ है। अब सुनिए, और आगे तक जब तक कि पूरा मेल्ट नहीं हो जाता है, जब तक कि पूरा मेल्ट नहीं हो जाता है, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड आफ्टर दैट वो सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या फील आया शार्प मेल्टिंग पॉइंट का? ये वाला जो मेल्टिंग पॉइंट है शार्प कॉर्नर टाइप बना रहा है, दैट इज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और दूसरा जो हीट ऑफ फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड, ये एक कांस्टेंट अमाउंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, वो कांस्टेंट अमाउंट होगा। और अच्छे से समझाता हूं, ये मेरे पास क्रिस्टलाइन टेम्परेचर है, यहां टाइम है, यहां पे मैंने सॉलिड लिया हुआ है। एक टाइम आएगा जब वो मेल्ट करना चालू करेगा, उसको मैं बोलता हूं मेल्टिंग पॉइंट। आप यहां से फ्रीजिंग पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है ना, उसको मैं बोलता हूं मेल्टिंग पॉइंट। एंड आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट वो सारा का सारा मेल्ट, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट पे देखो आप कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ सॉलिड, अगर आपके पास देखिए क्या कहानी है, फ्यूजन ऑफ सॉलिड यही तो है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना ही तो फ्यूजन है। चलिए, उसके बाद वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं, तो वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, ये सब के सब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं। बात समझ में आई क्या? यस। अब सारी कहानी ना आपकी, जितनी भी रामायण राम कहानी है, सब यही कर लिया करो कमेंट्स में, पढ़ना तो सब ये बाद में होता रहेगा, है ना भाई, सब करा देंगे, अभी आप इस पे पढ़ लीजिए ना, इस पे पढ़ लीजिए, यस। चलिए, तो यहां पे आते हैं, कहानी आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि भाई व्हाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट आफ्टर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट। भाई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट किया, इनफैक्ट ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हीट है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में चला जाता है, लेटेंट हीट क्या है? वो हीट जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को ब्रेक करने में लगेगा, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में भी तो फोर्स होगा, उसको ब्रेक करने में हीट खर्च हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहे हो? यस। चलिएगा नेक्स्ट, अब आते हैं आपके ऊपर कूलिंग कर्व। ये हमने क्या पढ़ा है बेटा? ये हमने जो पढ़ा है वो है हीटिंग कर्व। देख लीजिए, अगर मैं किसी को हीट कर रहा हूं, कोई सॉलिड को, तो उसका सॉलिड से हीटिंग कर्व ये है, पहले सॉलिड से कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट पर वो कांस्टेंट हो जाएगा और फिर फेज चेंज कर जाएगा, तो ये है हीटिंग कर्व। सिमिलरली कूलिंग कर्व में भी सेम होता है। कूलिंग कर्व में क्या होता है, मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, तो जहां पे वो फ्रीज करना चालू किया वहां पे फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर से लेटेंट हीट में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है ना बेटा। यहां पे ये क्या होगा, यहां से जब टेम्परेचर मैंने कम किया तो फ्रीजिंग पॉइंट पर देखो आप, ये कांस्टेंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मान लीजिए मेरे पास कोई लिक्विड है, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड यहां पे आ जाएगा और यहां पे पूरा सॉलिड में कन्वर्जन हो जाएगा, उसी का उल्टा है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन आप देख सकते हैं अगर मैं क्रिस्टलाइन कर्व की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं क्रिस्टलाइन कर्व की, तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी शार्प आ रहा है, साथ में कांस्टेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है और कांस्टेंट हीट ऑफ कूलिंग भी है, ठीक, यस, कंडेंसेशन जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा एमॉर्फस की, तो एमॉर्फस में ऐसा कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट तो है नहीं, तो क्या होगा, हीट देते जाओगे कन्वर्ट होता चला जाएगा। देखो दिस इज व्हाट हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व में क्या होगा आपके पास, एमॉर्फस का हीटिंग कर्व ऐसा होगा, हीट देते जाओ वो कन्वर्ट होता चला जाएगा, अपना फेज चेंज करता चला जाएगा, उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली फॉर कूलिंग कर्व, ये कूलिंग कर्व में भी आप उसको टेम्परेचर कम करते चले जाओ, और फिर वो सिमिलरली वो एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड पे, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर। चौथा है हमारे पास कि इट प्रोड्यूसेस बाय स्लो कूलिंग। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रिपरेशन है। नीट जब एआईपीएमटी हुआ करता था पूछा जा चुका है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्लो कूलिंग और यहां पे है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड कूलिंग। क्यों ऐसा? स्लो कूलिंग का मतलब है धीरे 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 उसको ठंडा किया जा रहा है। अच्छा, जब धीरे धीरे ठंडा करोगे तो पार्टिकल्स को टाइम मिल जाता है। भाई धीरे धीरे काम हो रहा है तो जो अंदर के पार्टिकल्स उसको समय मिल जाता है, उससे क्या करता है वो रेगुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, रैपिड कूलिंग करूं, फटाक से रैपिड कूलिंग हो जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल को समय नहीं मिला कि वो रेगुलर अरेंजमेंट बना पाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको समय मिल जाता है स्लो कूलिंग। यहां पे रेगुलर अरेंजमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको समय नहीं मिलता, हो रहा है रैपिड कूलिंग। बात समझ में आई क्या? दिस इज रैपिड स्लो कूलिंग एंड दिस इज बेटा रैपिड कूलिंग। द पार्टिकल्स गेट टाइम to generate regular arrangement, the particles do not get time to generate regular arrangement. और regular arrangement हुआ तो crystalline solid बोलेंगे। समझ लेते हैं slow cooling का क्या मतलब कह रहा है ये। slow cooling का क्या मतलब है बेटा, slow cooling में जो हमारे particles हैं उनको समय मिल जाता है किसके लिए, regular arrangement से settle down होने के लिए। therefore it is crystalline solid. Now come up to this amorphous में, amorphous में बेटा रैपिड कूलिंग होगी। अब रैपिड कूलिंग में क्या होगा कि पार्टिकल सेटल इन इरेगुलर, क्योंकि टाइम नहीं मिला इनको, टाइम ही नहीं मिला तो वो इरेगुलर। नेक्स्ट, यहां तक हो गया है। अब आते हैं बेटा इस पे, अब आते हैं आपके पास ट्रू सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है। ट्रू सॉलिड कहने का मतलब क्या है, देखो एकदम रेगुलर पैक्ड अरेंजमेंट है इनके पास, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं एमोर्फस की, तो यहां पर पैक्ड अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर है। तो ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, सच्चे सॉलिड। सॉलिड का क्या है भाई, सॉलिड में हमने यही तो डेफिनेशन पढ़ रखा है कि भाई बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, पैक्ड होते हैं एकदम, एक दूसरे के बीच में मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। यही तो हम 9th-10th में पढ़ते आए हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी इसी को तो मैच कर रहा है, इसीलिए इसको ट्रू सॉलिड बोला जाता है। लेकिन क्या ये ट्रू सॉलिड है? नहीं, ये धोखेबाज सॉलिड है। धोखेबाज सॉलिड कहने का मतलब, कहलाने के लिए तो सॉलिड है बट इरेगुलर अरेंजमेंट है। देख पा रहे हो, इरेगुलर अरेंजमेंट है, सॉलिड जैसा है बट नॉट ट्रू सॉलिड, ठीक है ना। यस, थोड़ा बहुत इसमें गैप भी है, मैंने आपको दिखा भी रखा है, ठीक है। तो इट इज स्यूडो सॉलिड, मतलब कहने का मतलब धोखेबाज सॉलिड, ठीक है। उसके बाद सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब है कि सुपर कूल्ड लिक्विड, यू कैन से कि वैसे तो ये फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है बट यू कैन से कि जो फ्लो करे और बहुत धीरे धीरे फ्लो करे। इनफैक्ट 15-20 साल में बहुत थोड़ा मिनिमल चेंजेस आए फ्लो करने की वजह से, जैसे कि आपका ग्लास होता है, ठीक है ना। तो वो सुपर कूल्ड लिक्विड्स कह सकते हैं, ठीक है ना। मोटे मोटे तौर पे मैंने बताया आपको। जैसे मान लीजिए क्या होता है, 9th-10th में आपसे कोई सवाल भी आता था बोर्ड्स वगैरह में आपके, कि अगर कोई ग्लास पेन है, ग्लास पेन का मतलब जो शीशे में लगाया गया, जो खिड़की में शीशा लगाते हैं, ठीक है ना। तो ग्लास पेन में क्या होता है, मैं ग्लास लेके आया मार्केट से और मैंने वहां पर लगवा दिया कारपेंटर से। आफ्टर 20 ईयर्स अगर आपको शौक है कि मैं इसका ग्लास का मेजर करूं, तो आप पाओगे कि इनिशियली मान लो ये 1 mm ऊपर भी है, इनिशियली 1 mm नीचे भी है, कंपनी से कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, तो ऊपर भी उतना ही मोटा है, नीचे भी उतना ही मोटा है। आफ्टर 20 साल बाद आओ कभी हवेली पे, तो जब आप हवेली पे गए थे तो आपको पता लगा कि ये 0.95 mm हो चुका है और यहां पर 1.05 mm हो चुका है। ग्लास जो है इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, समझ रहे हो बात को। ग्लास जो है वो सुपर कूल लिक्विड की तरह, कहने का मतलब फ्लो करता है ये नीचे की तरफ फ्लो करता है। और ग्रेविटी के कारण बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी है आपको, ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाता है, बहुत धीरे फ्लो करता है। इनफैक्ट 15-16 साल 20 साल की बात करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, जितने भी मेटल है सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको मिलेंगे। मेटल लैटिस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया। डायमंड की बात करो, यस डायमंड की आप देख लो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सारे क्रिस्टलाइन है। डायमंड की बात करो, ग्रेफाइट की बात करो, फुलरीन की बात करो, ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म ही तो है। आइस देख लो बेटा, जिगजैग स्ट्रक्चर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एकदम क्लियर कट रेगुलर अरेंजमेंट है, जिगजैग स्ट्रक्चर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा क्या आपको समझ आ रहा है कि यहां भी तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है। क्वार्ट्ज की बात करूं, मैक्सिमम यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को। देखिएगा बेटा क्वार्ट्ज अगर लिखा है तो क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर एग्जाम में क्वार्ट्ज ग्लास लिख दे, अगर एग्जामिनेशन में क्वार्ट्ज ग्लास लिख दे तो इट इज नाउ अमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि उसमें ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड और ग्लास बिहेवियर की वजह से यहां पे अमॉर्फस सॉलिड में वो आ जाएगा। ऐसे दिमाग में रख सकते। फिर हमारे पास रबर वगैरह आप तो यहां पे समझे। यस, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में क्या डिफरेंस है उतना डीप में मुझे भी नहीं पता, मैं सीरियसली बता रहा हूं। तो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास की इतना दिमाग में रखिए, ग्लास की वजह से वो क्या हो जाएगा, सुपर कूल लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, अमॉर्फस सॉलिड में काउंट हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्वार्ट्ज है, देन सिंपल इट इज सॉलिड। इतना डीप में जाना भी नहीं, क्यों, वैसी चीजें करनी है जो आपको। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या होता है, ठीक है ना। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। नाउ कम टू दिस एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। व्हाट डू यू मीन बाय एनिसोट्रॉपी एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी। बेटा एक बात तो आपको पता है, आइसो का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। आइसोटोप, आइसो बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहा है कई लोग। आइसो का मतलब सेम, तो अगर ये सेम है तो ये डिफरेंट होगा, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं ना। अगर आइसोट्रॉपी सेम है तो ये डिफरेंट होगा। अब समझते क्या सेम है क्या डिफरेंट है। मैं कोई भी सॉलिड लेता हूं, कोई भी सॉलिड लेता हूं और एक सॉलिड का मैं आपके यहां लेयर बना रहा हूं, ठीक है ना। और दूसरा सॉलिड लेता हूं, दूसरा लेयर बना दिया मैंने। अगर मैं इस सॉलिड में मान लीजिए यहां पे खड़ा हूं और मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, इस एटम पे खड़ा हूं। अगर इस डायरेक्शन में गया और मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया, अगर दोनों डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो आइसोट्रॉपी। अगर दोनों डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो इट इज एनिसोट्रॉपी। नहीं आया बात समझ में। भाई एनिसोट्रॉपी कौन है, देखिएगा, पढ़िएगा, कहानी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या मैंने बोला था, इधर जाने पे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम निकल आए आइसोट्रॉपी। अगर सेम है तो इट इज आइसोट्रॉपी एंड इस सॉलिड को मैं बोल दूंगा आइसोट्रॉपिक सॉलिड। अगर यहां पे डिफरेंट हो गए तो इसको मैं बोल दूंगा बेटा एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। अरे आ रहा है क्या, ठीक है। अब सुनिएगा, वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से, एग्जांपल के तौर पर आप देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेसिस्टेंस की बात कर लो, तो वहीं पे लिखा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेसिस्टेंस जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट वैल्यू आ रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, इधर जाने पे कुछ और इधर जाने पे कुछ और, तो क्या होगा बेटा, उसको मैं एनिसोट्रॉपिक बोलूंगा। देखो बेटा एनिसोट्रॉपिक। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में सेम वैल्यू आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टी की तो वो आइसोट्रॉपिक हो जाए। गौरव सर कैसे हैं आप, ही इज रिकवरिंग एंड वी मस्ट प्रे कि सर की रिकवरी बहुत स्पीडी हो, ठीक है ना। और रोज एक बार भगवान से तो जरूर बोले, मैं बोल रहा हूं आप भी बोले, ठीक है। और तंदुरुस्त होके सर आएंगे बैक विद अ बैंग, यू नो, और मचाएंगे फिर, टेंशन मत लो। चलिए बेटा फुलरीन बोला ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। रेगुलर अरेंजमेंट देखते हो, एकदम फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक के होते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आपको हो सकता है ये लाइन जो है वो आपको कंफ्यूज कर जाए, बट मैं करने दूंगा। क्या आपको लगता है ऐसा, आपको लगता है ऐसा नहीं ना। चलिए तो 001 क्रिस्टलाइन सॉलिड को नमन करते हैं। अभी देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करता हूं, ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है या नहीं मुझे बताइए। मैं मुझे तो डेफिनेट पैटर्न दिख रहा है, एबी 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 एबी, सिमिलरली सब में एबी एबी एबी, मुझे डेफिनेट पैटर्न तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब सुनिए, अगर बेटा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो कैसे एनिसोट्रॉपिक है मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है। इस डायरेक्शन में गया तो मुझे पता लगा ए बी ए बी ए बी, ऐसा है। और मान लीजिए मैं फिर वहीं पे खड़ा हूं और मैं इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं, आई एम, मतलब मैं इस साइड खड़ा हूं और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो भाई इस डायरेक्शन में जब गया तो मुझे मिला ए फिर ए फिर ए। भाई डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम, भाई डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम, अरे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम। अरे नहीं बात समझ में आई, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, बेटा एनिसोट्रॉपी। यहां देखो ना, आपको समझ आ रहा है कि ए बी ए बी ए बी मिल रहा है इधर, और इधर डायगोनली अगर जा रहे हो तो ए ए ए मिल रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, एनिसोट्रॉपी ही तो होता है ये। नेक्स्ट, अब आते हैं आइसोट्रॉपी के ऊपर, ठीक है ना। वही चीज को यहां पे दिखाया गया है, बड़े गौर से दिखाया गया है, बड़े मतलब प्यार से इसको दिखाया गया है। उसी चीज को इंग्लिश में अंग्रेजी में लिख दिया गया, ठीक है ना। यस, एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी आपको समझ में आ गया। मैं तो हमेशा ऐसे समझता था। देखो थोड़ा आपको मैं थोड़ा सा ना आपके लैंग्वेज में बताता हूँ, जो चीज आपको सुनने में मजा आता है मैं वो बताता हूँ। एक क्लास में हम लोगों की क्लासमेट थी जिनका नाम था अनिशा, ठीक है ना। यस, तो क्या होता था कि आज उनका मूड कुछ और, कल उनका मूड कुछ और, इधर जाएंगे तो कुछ और प्रॉपर्टी, इधर जाएंगे तो कुछ और प्रॉपर्टी, कोचिंग में जाएंगे तो भाई सब कुछ और प्रॉपर्टी, ट्यूशन जा रहे हैं तो कुछ और प्रॉपर्टी, ऑनलाइन क्लासेस में कोई और प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है भाई साहब, समझ रहे हो आप कहानी। नेक्स्ट, आइसोट्रोपी। अब अगर अनिशा चेंज हो रही है तो हम जैसे आइसो लोग क्या करेंगे, हर तरफ सेम होते हैं बेटा, इधर भी जाओगे सेम प्रॉपर्टी, इधर भी जाओगे सेम प्रॉपर्टी, इन डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी, सीधे साधे लोग। बट यहाँ पे जो अनिशा है वो चेंज होती जा रही है, हर बार बदल जा रही है, तो ठीक है एनिसोट्रोपी। हम अपने समय पे तो मैंने तो ऐसे याद किया था, आपको भी बता दिया, ज्यादा दिमाग लगाइए। आइए बढ़ते हैं आइसोट्रोपी के ऊपर। आइसोट्रोपी में क्या होता है कि बेटा वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेसिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सेम ही तो है। आइसोट्रोपी कहने का मतलब इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, और सेम इन ऑल डायरेक्शन कहने का मतलब है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर अनिशा को पसंद करता है, अनिसोट्रोपिक है, क्रिस्टलाइन जो है वो अगर अनिसोट्रोपिक है तो एमोर्फस हमारा आइसोट्रोपिक होगा। अब समझाता हूं, एक्चुअली इस लाइन को ही समझना आपका मेन एम है कि एमोर्फस कैसे आइसोट्रोपी हुआ यार, एमोर्फस कैसे आइसोट्रोपी हुआ। चलिए, ये आपके पास वैसे तो ये क्या है आपके पास, क्रिस्टलाइन है, दिस इज क्रिस्टलाइन, क्योंकि रेगुलर पैटर्न मैं एमोर्फस बना देता हूं। किसको देखना है अभी आपको, कलाकृति को, ठीक है ना बेटा। मेरी कलाकृति को देखिए, समझिए, और अपने दिमाग रूपी घर के अंदर बुलाने की कोशिश करिए इस कलाकृति को। कहीं मान जाए तो दिमाग में आ जाएगी कलाकृति, और नहीं आए तो फिर वीटी सर है ही, डाउट बता देंगे, ऐसा क्या है, धक्के से घर में भेज देंगे। चलिए, अब ये मेरे पास क्या है बेटा, मुझे एमोर्फस सॉलिड बनाना, जैसे ए बी बी, कुछ भी बता लो, ए सब ए हो गए, चलो मान लो सब ए हो गए। ये सारे क्या हैं, डेफिनेट पैटर्न है ही नहीं, बी ए बी 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 फिर ए। चलिए, अब मैं इधर जाऊं तो भी डिफरेंट, अब मैं इधर जाऊं तो भी डिफरेंट, कोई रेगुलर पैटर्न तो है ही नहीं ना। इधर गया तो बी 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 ए बी बी, इधर गया तो बेटा ए बी ए, इधर भी जा रहा हूं तो डिफरेंट ही मिल रहा है। देखो ना, ये वाला सेम है ना ये वाला सेम है, तो दोनों को हम सेम मान के चलते हैं, समझना भाई। ये भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है, ये भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है, तो दोनों सेम ही हुए ना, ऐसा सेम मान के चलते हैं, क्योंकि भाई ये भी अपना अलग ही होगा कोई डायरेक्शन, इसका भी कुछ अलग ही अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। तो दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट वो दिखा रहे हैं, आइसोट्रोपी दिखा रहे हैं। देखिएगा, अरेंजमेंट इज रैंडम, एमोर्फस में क्या होता है, अरेंजमेंट रैंडम है। Therefore, all directions are considered to be same. भाई सारे के सारे ही डिफरेंट है ना, मतलब सारी डायरेक्शन, मतलब कोई ऐसा आप डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते जिसमें सेम नहीं, सारी डिफरेंट है। तो आप इनको वी कंसिडर टू बी सेम एंड द वैल्यूज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। सेम कैसे कंसिडर करें भाई, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सेम हो कंसिडर कर लिया कि भाई सारी अलग ही है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है राहुल श्रीवास्तव। वन शॉट सीरीज बेटा तभी होती है ना जब आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं। वन शॉट से सिलेक्शन होता तो सारे यूट्यूब पे जो वन शॉट चलता है वहां सिलेक्शन हो जाती, तो फिर क्लासेस ही नहीं लेनी पड़ती। क्लासेस लो, फिर वन शॉट मैं ही हूंगा जो पढ़ाऊंगा, केवल वन शॉट में उड़ा दूं, क्या मतलब आ रहा है, ठीक है ना। Don't never, success can never be achieved with shortcuts. Yes, it will help you. Shortcuts will help you. But never पूरा complete नहीं हो सकता। मैं अभी कराऊंगा one shots, ठीक है, लेकिन एकदम घाई करने का कोई मतलब नहीं, एकदम भाग जाएं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा step लेके चलते हैं। एक crystalline solid हमने समझ लिया, types of crystalline solid की बात करते हैं। हमारे पास crystalline solid के 4 part होते हैं। पहला होता है आयनिक solid, दूसरा metallic solid, तीसरा molecular solid, और चौथा होता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। चलिए, आयनिक सॉलिड क्या होता है? अरे भाई वैसे सॉलिड जो आयन से मिलकर बना हो, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आयन हो। जैसे मान लीजिए मैं NaCl की बात करता हूं तो NaCl का लैटिस आपने देखा होगा 3D में लैटिस होता है, एक NaHCl एक NaHCl एक NaHCl। आयनिक सॉलिड कहने का मतलब जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कौन हो बेटा, Na+Cl-Na+Cl-Na+Cl-। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कौन हो बेटा, Na+Cl-Na+Cl-। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आयन है तो उसको आयनिक सॉलिड बोलूंगा, और अगर आयन है तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आयन होंगे। दूसरी चीज, आयन में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस और माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस, तो यहां पे आयनिक सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। कह सकता हूं ऐसा कि हमारे पास है बेटा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, आयंस। आपको देख पा रहे हैं प्लस माइनस आयंस, केटायंस और एनायंस है। जैसे फॉर एन एग्जांपल NaCl MgCl2 एक्सट्रैक्टर, इसमें कौन से फोर्स काम करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। चलिए दूसरा पॉइंट पे आ जाता हूं, मेटालिक सॉलिड, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मेटल हो। भाई हर मेटालिक रेडियस, जैसे मान लो मैं किसकी बात करता हूं, आयरन की बात कर लेता हूं, आयरन इज अ मेटल। अब आयरन मेटल का जो लैटिस होगा उसमें सारे एटम आयरन के ही तो होंगे, ऑल द एटम्स आर ऑफ आयरन, राइट। भाई मेटालिक सॉलिड क्या होगा, ऑल द एटम्स जो जितने भी है ना, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम सारे आयरन के होंगे, Fe ये सारे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम क्या होंगे, मेटल के होंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो उसको बोला जाता है मेटालिक रेडियस। ठीक है, अच्छा कोई बता पाएगा कि इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? भाई मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड, अरे राम राम क्या बताऊं। मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स। जैसे आप आयरन की बात कर लो, जिंक की बात कर लो, हर एक मेटल के अंदर मेटालिक लैटिस होता है और मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो मेटालिक सॉलिड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा नेटवर्क सॉलिड के ऊपर। नेटवर्क सॉलिड कहने का मतलब जिसमें बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो, ग्रेफाइट बेटा, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो। ग्रेफाइट की बात कर लो, ठीक है ना, ग्रेफाइट की बात कर लो प्यारे दोस्त। इसमें नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, इसमें नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं इधर ग्रेफाइट की बात कर ली, ये क्या हमने ग्रेफाइट की बात कर ली, अगर मैं डायमंड की बात कर रहा हूं तो डायमंड की बात आप देख सकते हो प्यारे दोस्त, दिस इज व्हाट डायमंड की बात। क्या आपको दिख रहा है नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, दिख रहा है क्या सब लोगों को? भाई नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सबको दिख रहा है, प्यार से दिख रहा है, दीज आर नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसा फैलता चला जाए तो इन्हीं को नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है, ठीक है ना। नेटवर्क सॉलिड कौन होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हमारा प्यारा ग्रेफाइट, जैसे कि हमारा प्यारा डायमंड, जैसे कि सिलिका के बारे में सुन रखा होगा। SiO2 क्या है, SiO2 इज सिलिका, बताया था मैंने सिलिकॉन जब पढ़ा रहा था कार्बन फैमिली के अंदर, फिर भी बता देता हूं बेटा। SiO2 के अंदर ठीक है ना, इस तरह से आप नीचे करते जाओ और इस तरह से ये नेटवर्क सॉलिड बनता चला जाता है, ठीक है ना, इसमें ये नेटवर्क ऑफ सॉलिड बनता चला जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज नेटवर्क सॉलिड। तो जिसमें लंबे लंबे चेन्स कोवेलेंट बॉन्ड के हो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क सॉलिड के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त आता है मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड कहने का मतलब है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मोलिक्यूल्स हो। जैसे कोई बता सकता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मोलिक्यूल हो, जैसे आइस। भाई आइस, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मोलिक्यूल्स की, आइस में बहुत सारे मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मोलिक्यूल है। सिंपल कहानी, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आयन हो तो आयनिक सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मेटल एटम है तो मेटालिक सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हो कोवेलेंट नेटवर्क, मतलब कोवेलेंट नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड कहने का मतलब अगर मेरे पास क्या हो, मोलिक्यूलर सॉलिड कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरे पास मोलिक्यूल हो, जैसे आइस, जैसे ड्राई आइस भी अगर पूछ लिया जाए तो ड्राई आइस क्या है, कार्बन मतलब आइस एंड सॉल्ट, मतलब मान लो ये भी तो, इसमें भी तो बहुत सारे मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, ठीक है ना, यस। चलो नेक्स्ट, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये चार पार्ट हमने देख लिया। अब ये होता है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, जो होता है वो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होता है। भाई 2 डायमेंशनल अपना ग्रेफाइट, उससे बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है, 3 डायमेंशनल अपना डायमंड, उससे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकता है। पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये 4 पार्ट है, इसके भी ये 2 पार्ट है, कोवलेंट के भी 2 पार्ट है, ये जो नेटवर्क सॉलिड है या कोवलेंट सॉलिड है इसके भी 2 पार्ट है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया ग्रेफाइट और डायमंड। अब आते हैं प्यारे दोस्त, ये जो मोलिक्यूलर सॉलिड है ना, इसके भी 3 पार्ट, ये जो हमारा मोलिक्यूलर सॉलिड है इसके भी 3 पार्ट हैं। एक वैसा जो पोलर सॉलिड है, एक ऐसा जो नॉन पोलर सॉलिड है, एक ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या आइस है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड वाला मोलिक्यूलर सॉलिड कौन है, आइस है क्या? बिल्कुल। यहां पे देखिएगा नॉन पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड कहने का मतलब है क्या CO2 है क्या यहां पे? यस। सिमिलरली पोलर सॉलिड कहने का मतलब SO2 होगा, यहां पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, SO2 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सुनिएगा राहुल, कोई बात नहीं, कोई बात, मापन कर लेंगे, ट्रस्ट में। एग्जाम के बाद भी मैं आपसे मिलूंगा, ट्रस्ट में, डोंट वरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे आते हैं दोस्त, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले सॉलिड्स हैं, आप मुझे बताओ इनके अंदर कौन से बॉन्ड्स होंगे? भाई हाइड्रोजन बॉन्ड वाले सॉलिड्स हैं, आइस, आइस के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिगजैग स्ट्रक्चर। तो क्या आपको दिख रहा है कि आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? यस। अब आप मुझे बताओ नॉन पोलर सॉलिड्स में, नॉन पोलर सॉलिड्स में दो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं, उनके बीच कौन सा लगेगा भाई? क्या वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिक्यूलर फोर्स दो, जैसे CO2 यहां पे CO2, दोनों मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स? नॉन पोलर मोलिक्यूल है, कौन सा फोर्स? नॉन पोलर मोलिक्यूल के अंदर बेटा वंडरवाल फोर्स लग रहा होता है, यही पूछा जाता है, इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। यहां पे देखिएगा ये पोलर सॉलिड है, दैट इज, इसमें पोलर सॉलिड का मतलब क्या है? डाइपोल। तो डाइपोल में कौन सा फोर्स लगता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। थोड़ा सा समझिए, यहां पे मैं वो चार्ट लेके आया हूं आपके पास, यहां पे मैं आपके लिए चार्ट लेके आया हूं और सारा कुछ मैं यहां पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखिएगा मेरे पास था सॉलिड, ये मेरे पास था क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, मेरे पास था क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अपने पास 4 पार्ट है। पहला पार्ट में आयनिक रेडियस, दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूं आपको मेटालिक आयनिक सॉलिड, दूसरा पार्ट है मेटालिक सॉलिड, तीसरा पार्ट है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जो चौथा पार्ट है वो है मोलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आयनिक सॉलिड की बात कर लेता हूं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कौन हो? आयन। जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो? आयन। क्लियर? यस। इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होगी भाई? आयंस में आयनिक बॉन्ड, आयंस में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। चलिए, और आयनिक यहां पे NaCl आपको दिख रहा है। तो मेटालिक सॉलिड की बात कर लेते हैं। मेटालिक सॉलिड में मैंने बताया कि हर मेटल का रेडियस के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम क्या होगा? मेटल एटम। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? मेटल एटम, ठीक है ना। इतना अगर दिमाग में नहीं रखना है तो सीधा रखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम। और मेटल एटम्स में कौन सी बॉन्डिंग होगी? मेटालिक बॉन्डिंग, सिंपल मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब आइए कोवलेंट और नेटवर्क की बात करते हैं। कोवलेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कौन सा होगा? भाई ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम होते हैं, डायमंड के अंदर भी कार्बन एटम होते हैं, अगर मैं SiO2 की बात करूं तो सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। कहने का मतलब है जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे वो एटम होंगे, इट में भी कार्बन, इट में भी सिलिकॉन, इट में भी ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे कौन सा बॉन्ड रख रहे हैं? भाई कोवलेंट बॉन्ड होगा। यहां पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग होगी? तो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। आप देख सकते हो SiO2, ठीक है ना, आप देख सकते हो n नंबर है यार, ग्रेफाइट है, डायमंड है, क्वार्ट्ज है, अपने पास कार्बोरेंडम है। चलो नेक्स्ट, मोलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर, दो नॉन पोलर मोलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स? वंडरवाल फोर्स। दो नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स? वंडरवाल फोर्स, वो भी कौन सा? लंदन फोर्सेस। दो नॉन पोलर के बीच में बेटा लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस लगते हैं। चलिए नेक्स्ट, पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सिंपल, ठीक है ना। तो ये जो किस तरह की बॉन्डिंग होती है, दिस हैज टू बी इन योर माइंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये देखो ये सोहम आया, बोलता है हेलो मैम। अच्छा गरिमा मैम है यहाँ पे, हाय मैम। मेरे को लग रहा है मेरे को मैम बोल रहा है, देख रहे हो मैम, ठीक है ना, यस। नेक्स्ट 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 क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है सुनेंगे, किसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं सुनिए। हाय हाय मैम हाय। तो ठीक है, तो अब यहाँ आ जाते हैं मैम, ये ना ऐसे ही करते रहेंगे, ये तो उनको तो स्पैमर्स। चलो चलो ठीक है, हाय मैम हाय। यहाँ पढ़ो बच्चों, बच्चों यहाँ आओ थोड़ा सा फिर से। क्रिस्टल लैटिस, अब क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है सुनो। अगर मेरे पास रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स हो, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस हो, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो, उसी को लैटिस बोला जाता है, उसी को क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। लैटिस का अगर आप मतलब समझे तो लैटिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट, अ रेगुलर स्ट्रक्चर को ही लैटिस बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे क्रिस्टल लैटिस बताता हूं क्या है ये। रेगुलर अरेंजमेंट किसका, कोई भी पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट, और वो भी 3D स्पेस में। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां पे 6 पॉइंट्स ड्रॉ करके, ये 6 पॉइंट्स आपको दिख रहे, ये रेगुलर वे में है कोई। सिमिलरली मैंने इसका एक और रेप्लिका यहां पे ड्रॉ कर लिया, ये फिर से एक रेगुलर अरेंजमेंट ड्रॉ कर दिया। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स को ही क्या बोला जाता है। अगर मैं फिर से यहां पे 6 ड्रॉ कर दूं तो ये रेगुलर अरेंजमेंट में ड्रॉ हो गया। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स ही क्या है, लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स ही क्या है बेटा, लैटिस। अब सुनिए, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस इज क्रिस्टल लैटिस। क्लियर। अब सुनिए मैं क्या करता हूं, मैं इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ एक से एक में कनेक्ट कर देता हूं। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कनेक्ट कर रहा हूं। सुनिए क्लियर। अब जैसे ही मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो एक डेफिनेट सा स्ट्रक्चर मिला अपने को। अपन एक काम करते हैं, ऊपर नीचे भी अपन क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना। अपन इसको थोड़ा सा 3D व्यू में देखें, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा। अगर मैं पॉइंट्स को रेगुलर अरेंजमेंट में रखूं तो इसी को मैं क्रिस्टल लैटिस बोलता हूं। यू कैन सी द एग्जांपल्स फ्रॉम हियर, ठीक है ना, देखिए। और ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को लैटिस पॉइंट बोला जाता है। दीज पॉइंट्स आर लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट पे हमारा एटम भी हो सकता है, हमारा आयन भी हो सकता है, हमारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, हमारे पास कुछ भी हम रख सकते हैं जो हम पढ़ के आए हैं। जैसे अगर यहाँ पे आयन होंगे तो ये कौन सा बनेगा, आयनिक सॉलिड। अगर यहाँ पे मान लो मॉलिक्यूल रख दिया तो कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर यहाँ पे कोई एटम रख दिया तो कोवलेंट सॉलिड। अगर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सॉलिड। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता हूं। अगर इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, इफ आई ज्वाइन ऑल दीज पार्टिकल्स, अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, जैसे यहां पे ज्वाइन किया हुआ है, सिमिलरली मैंने इनको यहां पे ज्वाइन कर दिया। अगर मैंने इनको यहां पे ज्वाइन कर दिया तो एक डेफिनेट सी ज्योमेट्री बन रही है, जिसको ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस बोलते हैं। चलिए अब आते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल को समझने के लिए पहले अपने को एक 3D सा डायग्राम देखना पड़ेगा। यूनिट सेल को समझने के लिए बेटा अपने पास 3D डायग्राम देखना पड़ेगा। यस, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्पेस लैटिस, बिल्कुल। अब आइए बेटा यहां पे क्या है मेरे पास, अब आइए मेरे पास ये है एक क्यूब। मैंने एक बना दिया आपके पास क्यूब, ठीक है। इस क्यूब को, ये रहा मेरे पास, थोड़ा सा टेढ़ा सा क्यूब है पर चलेगा, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको बढ़िया से ही बना देते हैं, नीचे की तरफ बना देता हूं मैं, ठीक है। अब ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना, इट्स ऑल अबाउट 3D इमेजिनेशन। अभी आपके पास क्यूब बन गया, ठीक है ना। अब इस क्यूब में अपने को क्या करना है, तलवार चलाने आता है, चलाया कभी नहीं चलाया है, अभी चला के बताता हूं। मैं इस क्यूब को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस क्यूब को मैं हाफ वे पार्ट में काट रहा हूं। इस क्यूब को मैं क्या कर रहा हूं, आधे आधे पार्ट में मैंने काट दिया। यहां से मैंने एक तलवार लिया और काट दी तो क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में कट गया। एक और काम करके देख लेता हूं, मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी काटने की पूरी कोशिश कर देता हूं। मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी ऐसे कट कर देता हूं तो अब देखो बेटा 4 पार्ट में, वो भी इक्वल पार्ट में कट गया। मेरा मन अब भी नहीं भरा, मैं इसको फिर से इसको कट कर देता हूं। दिख रहा है। अब मैंने इसको बीचों बीच काट दिया, फिर भी मन नहीं माना तो मैंने क्या किया, यहां से भी इसको कट कर दिया पूरे अच्छे तरीके से। गॉट इट यस। नाउ अब क्या हो रहा है आप देख रहे हो, मैंने इसको सेवरल इक्वल इक्वल पार्ट्स में मैंने कट कर दिया है। मान लो मैंने यहां से भी कट कर दिया, मैंने यहां से भी कट कर दिया, सब इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट होंगे। इसका छोटा सा पार्ट, मान लो मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, इसका छोटा सा पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, इसके छोटे से पार्ट को मैं यूनिट लैटिस, इसको मैं यूनिट सेल बोलूंगा। यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ऐसा पार्ट जिसको मैं रिपीट कर दूं तो एक लैटिस खड़ा हो जाए। अगर मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स को रिपीट कर दूं तो एक लैटिस खड़ा हो जाएगा, इसी को मैं बोलता हूं यूनिट सेल। आइए थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। यूनिट लैटिस को डेफिनेशन देखते हैं। यूनिट सेल को स्मॉलेस्ट पोर्शन, मैंने बहुत सारे पार्ट्स में इसको कट कर दिया और उस पार्ट में का मैंने एक स्मॉलेस्ट पोर्शन लिया हुआ है। इस पार्ट का मैं क्या ले रहा हूं, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन यहां पे निकाल रहा हूं। इस स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको मैं रिपीट करने के बाद 3D जनरेट हो जाए, 3D में क्रिस्टल जनरेट हो जाए, वो वाला स्मॉलेस्ट पोर्शन को मैं यूनिट सेल बोलता हूं। अब जैसे मैं इसको बनाऊं तो बहुत सारे, अगर मैं ये वाले यूनिट सेल यहां पे डाल दूं तो पूरा लैटिस जनरेट हो जाएगा, इसी को यूनिट सेल कहते हैं। जैसे मान लो ये रूम है, जिस भी रूम में आप पढ़ रहे हो, यहां पे ये ईंट से मिलकर बना होगा, ब्रिक्स से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बना होगा। अगर मैं एक छोटी सी ईंट की बात करूं, वो हमारा यूनिट सेल है। तो बहुत सारे ईंटों को मिला के तो ये रूम बन गया। वो वाली चीज जो सबसे छोटी है, जिसको रिपीट कर दूं तो हमारे पास यूनिट सेल क्रिएट हो जाए। जैसे हमारे पास ब्रिक्स होते हैं एक रूम में, वैसे ही हमारे पास यूनिट सेल होता है पूरे क्यूबिक लैटिस के अंदर। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं आपको निकाल के और जूम व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये जो छोटा सा यूनिट सेल है, इस छोटा सा यूनिट सेल को मैं निकाल के आपको यहां पे दिखा रहा हूं। तो ये भी एक क्यूब होगा, ऑब्वियसली हमने क्यूब को काटा है इक्वल इक्वल पार्ट में, तो क्यूब भी बनेगा। ये हमारे पास ये भी एक क्यूब बनेगा। अब जब क्यूब बन रहा है तो सुनिएगा यहां पे कहानी क्या हो रहा है। जब क्यूब बन रहा है, अब क्यूब में मैं आपको एज लेंथ की बात बता रहा हूं, और ये वाली एज लेंथ फिक्स है, अपने को जिस डायमेंशन में दिया गया है उसी डायमेंशन में याद रखना पड़ेगा। सुनिएगा, जो लेफ्ट वाला जो z डायरेक्शन का है उसको मैं a बोलता हूं, जो अपवर्ड y डायरेक्शन है उसको मैं c एज लेंथ बोलता हूं, और जो x डायरेक्शन वाला है उसको मैं b एज लेंथ बोलता हूं। और ये साइंटिस्ट द्वारा फिक्स है, अपने को इसी डायरेक्शन, ऐसा नहीं कर सकते आप यहां ये यहां भी यहां से नहीं, जैसा है वैसा ही रखना है। दूसरा, b और c के बीच के एंगल को मैं अल्फा बोलता हूं, c और a के बीच के एंगल को मैं बीटा बोलता हूं, और ए और बी के बीच के एंगल को मैं गामा बोलता हूं। ऐसा ही फिक्स है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि ए बी के बीच का अल्फा बोल दो, नो, कोई सिमेट्री यहां नहीं लगानी है। यूनिट सेल को ऐसे ही डिफाइन किया गया है, इसके पैरामीटर्स यही हैं, तो आपने को यही फिक्स रखना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसको यहां से निकाला और थोड़ा जूम व्यू में आपको दिखाया कि यहां पे अगर जो जेड डायरेक्शन वाला है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, ए, जो वाई डायरेक्शन वाला है उसको मैं बोल रहा हूं, सी, और जो एक्स डायरेक्शन वाला है उसको मैं बोल रहा हूं, ए। एज लेंथ समझ आया। दूसरी बात, बी और सी के बीच के एंगल को अल्फा ही बोलेंगे, ए और सी वाले को बीटा ही बोलेंगे, और इसको गामा ही बोलेंगे नीचे वाले को। चलिए, तो ये तो यूनिट सेल की कुछ ये हुई। अब जो यूनिट सेल है, अब ये जो यूनिट सेल है, ऐसी ये जो यूनिट सेल है, सिंगल यूनिट सेल कभी भी अकेला नहीं रहता। यूनिट सेल इज नेवर सिंगल, ये अपने जैसे यूनिट सेल से घिरा होता है, ठीक है ना। ये जो यूनिट सेल है ये अपने जैसे यूनिट सेल से घिरा होता है। राइट में भी अपना जैसा यूनिट सेल है, ऊपर भी अपने जैसे यूनिट सेल है, सिमिलरली लेफ्ट में भी होगा। तो चारों तरफ से 3D में सोचना है। अगर यहां पे एक यूनिट सेल है तो एक आगे भी यूनिट सेल होगा, ऊपर भी यूनिट सेल होगा, नीचे भी यूनिट सेल होगा, पीछे भी होगा, लेफ्ट में भी होगा, राइट में भी होगा, इन ऑल डायरेक्शंस इन 3D। यहां पे क्या होगा बेटा, ये यूनिट सेल चारों तरफ से घिरा होता है। तो वही चीज को यहां पे लिख के बताया गया है कि जो हमारा यूनिट सेल है, इट इज सराउंडेड बाय सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये चारों तरफ से अपने जैसे यूनिट सेल से घिरा होता है, और ये लाइन का न्यूमेरिकल्स में बहुत इस्तेमाल आता है, और ये अगर भूल जाओगे तो न्यूमेरिकल्स गलत करने पे, मतलब करते ही हो आप गलत। चलो नेक्स्ट आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट सेल की बात करते हैं। वही चीज कि दो तरह से हम इसको पहचान सकते हैं यूनिट सेल को। एक तो एज के हिसाब से, जो ए बी सी मैंने बता दिया, जो बाहर की तरफ आ रहा होगा दैट इज उसको ले लीजिए ए, फिर ले लीजिए बी, फिर लीजिए। अच्छा, अब जब मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको ए, इसको बी, इसको सी रखा तो फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऐसे रखने को आप रख लो, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो अल्फा बीटा गामा में। तो यही डिनोशन अगर याद रखोगे, यही वाली अगर चीज याद रखोगे तो न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप ऐसे दिमाग में रखिए कि बाहर आता हुआ ए, राइट जाता हुआ बी, ऊपर जाता हुआ सी। ठीक है, देन वी हैव अल्फा बीटा गामा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अल्फा वहां से स्टार्ट करेंगे, अल्फा बीटा गामा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ही याद रखें। और जो ये अल्फा बीटा गामा, इसको मैं इंटरफेशियल एंगल बोलता हूं। अब समझते हैं पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिट सेल। ये जो यूनिट सेल मैंने आपको दिखाया यहां पे, ये यूनिट सेल में जो ए बी सी है, ये हो सकता है परपेंडिकुलर हो, ये हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो, बट ये ए बी और सी, जैसे मैंने आपको बताया जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या ये हमेशा ऐसा होगा। नो, जो इन इट्स डायमेंशन जो है अलोंग द थ्री एजेस ए बी सी, द एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हो सकता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और हो सकता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना भी हो। चलिए, लेकिन यह जरूर फिक्स है कि अल्फा जो है वो बी और सी के बीच का ही एंगल होगा, जो बीटा है वो सी और ए के बीच का ही एंगल होगा, जो गामा है वो ए और बी के बीच का ही एंगल होगा। चलो, एंगल्स बिटवीन द एजेस की क्या है बेटा, अल्फा बीटा और गामा, बिटवीन बी एंड सी, ए एंड सी एंड। चलो, नेक्स्ट आपको लेके आता हूं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला होता है बेटा, यूनिट सेल हमने देख लिया, यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली, हमने उसके एंगल देख लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड की बात करेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट बहुत आसान है इसलिए पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। अब हमने क्यूबिक यूनिट सेल देख लिया ना, एक सिंपल यूनिट सेल देख लिया। सिंपल यूनिट सेल क्या है, क्यूब का पार्ट है। ठीक है, इस क्यूब में आपको कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं कि जितने भी ब्लैक किए हुए हैं कॉर्नर पॉइंट है। अगर हमारे यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम है, सुनना, अगर हमारे यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, अगर हमारे यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम है तो उसको मैं बोल दूंगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। केवल ध्यान रखें, ओनली कॉर्नर्स पे एटम होने चाहिए। अगर हमारे कंस्टिट्यूशन पार्टिकल जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कहां हो, केवल और केवल कॉर्नर्स पे हो, तो इनको क्या बोला जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, यस, अब देख लीजिए ऑल दीज कॉर्नर एटम्स, ये आपको दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, यहां है, यहां है, एंड सिमिलर एटम्स अलग अलग है, बट इन रियलिटी ये डायग्राम फ्रेश दिखाने के लिए ऐसा बनाया गया है। इन रियलिटी ये दोनों एटम्स इसको टच कर रहे होते हैं। ये जैसे मान लो इस वाले एज पे ये दो एटम है, ठीक है ना, ये वाला एटम्स हाफ इतना होता है और अगला वाला एटम इतना होता है, दोनों एटम्स आपस में टच कर रहे होते हैं। ये डायग्राम को फ्रेश दिखाने के लिए ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे अभिषेक, डोंट वरी। ठीक है ना, इनफैक्ट मैं आज ही सोच रहा था तो मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलो, ये मेरे पास क्या हो गया, इसका 3D व्यू आपको समझ में आ रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर मेरे पास ये वाला एज है, इस एज पे दो एटम है, ये जो ये वाला एटम है ये हाफ वे इतना होगा और नेक्स्ट वाला जो है वो आधा इतना इसका घेरा हुआ होगा, तब जाके दोनों एटम्स टच करेंगे। तो इन रियलिटी ऐसा होता है, इन रियलिटी सिंपल क्यूबिक इज लाइक दिस, तब जाके आपको फील आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहां पर अपने को पता है कि यूनिट सेल कभी सिंगल नहीं रहता, यूनिट सेल अपने जैसे यूनिट सेल से घिरा रहता है। अब जैसे ये है यूनिट सेल, अब ये कैसे घिरा रहेगा, मान लीजिए मेरे पास क्यूब है, सपोज कर लेते कि ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है ना। अब इसको मुझे घेरना है चारों तरफ से, तो कैसे घेरूंगा, एक आगे फील करना, इसके जस्ट आगे एक रख दूंगा, ठीक है ना, एक ऊपर, दो हो गया, तीसरा नीचे, चौथा पीछे। तो ऊपर नीचे आगे पीछे तो हमने रख दिया, बट ये क्या है, क्यूब है, तो क्यूब के लेफ्ट में थोड़ा सा इसको बना के बताऊंगा, क्यूब के लेफ्ट में मैं बना के बताऊंगा। वेट, ये मेरे पास क्या है बेटा, क्यूब है, ये थोड़ा पूरा 3D इमेजिनेशन, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट 3D इमेजिनेशन। अब सुनिएगा, इसको मुझे चारों तरफ से सराउंड करना है, तो एक क्यूब में यहां पर बनाऊंगा लेफ्ट साइड में, दूसरा क्यूब में राइट में बनाऊंगा, तीसरा क्यूब में ऊपर की तरफ बना दूंगा, चौथा क्यूब में नीचे की तरफ बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन और सुनिए, और सुनिए, इसको और बेहतर वे में, और बेहतर वे में, रुक जाइए और रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूं, थोड़ी देर बाद बताता हूं, रुकिए। यस, ये मेरे पास क्यूब है, अब इसको घेरने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक एटम यहां है, अब इसको कैसे घेरा जा सकता है, इस एटम को क्या इधर वाले क्यूब ने भी शेयर किया है, यस, इस ये जो क्यूब है इसके आगे भी तो एक क्यूब होगा, ये जो क्यूब है इसके आगे भी क्यूब होगा, वो भी तो इसको शेयर करेगा, तो इसके आगे भी एक क्यूब होगा। सिमिलरली इसके इस फेस के आगे भी एक क्यूब होगा। सिमिलरली इस फेस के आगे भी एक क्यूब होगा। कहने का मतलब है नीचे वाले पोर्शन से हमारे पास चार क्यूब है और ऊपर की तरफ से चार क्यूब। सिमिलरली एक क्यूब ऊपर, एक क्यूब इसके करस्पॉन्डिंग, एक क्यूब इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब है कि अगर मैं सिंपल क्यूबिक सेल की बात करूं, तो एक यूनिट सेल को 8 यूनिट सेल सराउंड कर रहे हैं। 8 यूनिट सेल सराउंड कर रहे हैं। इस वाले यूनिट सेल, इस व्हाइट वाले यूनिट सेल को आप देख लो, 8 तरफ से, आप फील भी कर सकते हो उसको, 8 तरफ से घेरा गया है, ठीक है ना। आगे, उसके बगल में, और पीछे की तरफ 4 ऐसे और 4 ऊपर की तरफ 8, ठीक है ना। तो यहां पे देख लीजिए, ये जो इसमें है only 1/8 part ऑफ ईच कॉर्नर एटम इज इनसाइड द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल में दिखने के लिए आपको पास 8 एटम्स दिख रहे हैं, बट ये जो एक एटम है ये 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। तो कहने का मतलब है इसका केवल 1/8 ही इस यूनिट सेल में है। तो कॉर्नर एटम की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, बस इतना ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल देख लिया, अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। इसमें क्या होगा, कॉर्नर पे भी होगा, साथ में बॉडी में भी होगा। इसमें क्या होगा, अगर मेरे पास एटम्स कॉर्नर पे भी हैं और साथ में मेरे पास बॉडी के अंदर भी एटम है, कॉर्नर पे भी है और साथ में बॉडी के अंदर भी एटम है, तो इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। अब सुनिए सर, ये जो एज पे है क्या वो 1/8 है उसका कंट्रीब्यूशन? अभी भी बताया पीछे, एज का 1/8 कंट्रीब्यूशन। और ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एकदम इस क्यूब के अंदर है, आप समझ सकते हो, इसको फील करो, एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर एक टेनिस का बॉल रखा हुआ है। इट इज द बॉडी सेंटर, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आएगा बेटा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल, कॉर्नर पे भी है और बॉडी सेंटर पे भी है। अभी कैलकुलेशन वगैरह तो अभी कराऊंगा, नेक्स्ट में एनालिसिस कराना है मुझे, कल बता दू। अब आप देख लीजिए कि बॉडी सेंटर कुछ ऐसा होता है, एक तो कॉर्नर है और बीचों बीच ये ऑरेंज वाली बॉल्स आपको दिख रही है। तो ये हो गया बेटा बॉडी सेंटर। सिमिलरली हमारे पास होता है, और ये जो बॉडी सेंटर एटम है वो एकदम कंप्लीटली इनसाइड होगा। अब हमारे पास होता है बेटा कॉर्नर एटम की कंट्रीब्यूशन, अभी भी देखा 1/8, बॉडी वाली की कंट्रीब्यूशन 1, कंप्लीटली बॉडी वाली की कंट्रीब्यूशन 1। पूरा कैलकुलेशन बाद में करना अपने को। नेक्स्ट, अब आइए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर कहने का मतलब कॉर्नर भी होगा और फेस भी होगा। कंस्टिट्यूशन पार्टिकल कॉर्नर पे भी होंगे एंड सेंटर ऑफ द फेस। क्यूब में कितने फेस होते हैं वैसे आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो सेंटर ऑफ द फेस पे होगा। फेस कहने का मतलब है ये ऊपर वाले फेस पे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चारों तरफ फेस पे, फेस के सेंटर पे होगा। और फेस वाले की कंट्रीब्यूशन होती है 1/2। फेस की कंट्रीब्यूशन 1/2। इस फेस के ऊपर एक और सेल होगा ना, इस फेस के ऊपर भी तो एक सेल होगा, इस वाले फेस के लेफ्ट में भी तो एक सेल होगा, सिमिलरली राइट में भी तो एक सेल होगा। चलिए, तो इस तरह से बेटा इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/2 है। हाँ, 6, बिल्कुल सही, 6 फेस होगा, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, ये तो हमारे पास पहले से ही थे ब्राउन वाले। फेस में हमारे पास 6 ऑरेंज बॉल्स दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 बॉल्स। नेक्स्ट, अब आइए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। वैसे नहीं पढ़ना है बट स्टिल बहुत आसान है। देखिए, कॉर्नर पे भी होगा और साथ में सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस। कॉर्नर पे भी होगा और सेंटर ऑफ एनी टू, किसी भी टू अपोजिट फेस, हो सकता है इधर वाला, ठीक है ना। कॉर्नर पे भी होगा और सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस, ठीक है। तो फेस का तो आपको पता है 1/2 होता है और यहां पे 1/8 होता है। पूरी कैलकुलेशन सभी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। आइए अब काम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग, जनता यहीं पे फिक्स, उसका फ्यूज थोड़ा उड़ जाता है, बहुत छोटी चीज। क्यूब के पास कितने कॉर्नर होते हैं? तो 8 कॉर्नर होते हैं। कौन से 8 कॉर्नर होते हैं वो भी मैं फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम बता रहा हूं, ठीक है ना। यस, एक कॉर्नर दिख रहा है, दूसरा कॉर्नर दिख रहा है, तीसरा कॉर्नर दिख रहा है, चौथा कॉर्नर दिख रहा है, पांचवा कॉर्नर आपको दिख गया होगा, 6th कॉर्नर, 7th कॉर्नर एंड 8th कॉर्नर। सबको दिख गया ये बात? यस। 8 कॉर्नर के बाद 6 फेस हैं। कौन से 6 फेस की बात कर रहा हूं मैं बताता हूं। दिस इज द 1 फेस, दिस इसके जस्ट सामने वाला, दिस इज द 2nd फेस, इसके जस्ट ये ऊपर की तरफ आप देखना, दिस इज द 3rd फेस, नीचे की तरफ देखो बेटा 4th फेस। 4 फेस दिख गए हैं, उसके पास है 6 फेस। और 2 कौन से फेस हैं भाई? ये वाली फेस, दिस फेस की मैं बात कर रहा हूं, दिस वन, ये 5वां और इसके जस्ट पीछे 6ठा फेस। उसी तरह मैं एज की बात कर लेता हूं। हाउ मेनी एजेस आर देयर। एज की बात कर लेता हूं, देखना दिस इज वन एज, सेकेंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11 एंड 12। क्लियर है? तो 12 इसके पास एज होते हैं। उसके बाद आइए कॉर्नर पॉइंट होगा तो उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई पॉइंट कॉर्नर पे है तो उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। अगर कोई पॉइंट फेस पे है तो उसका 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा। अगर कोई पॉइंट फेस पे है तो उसका 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा फेस पे। अगर कोई पॉइंट एज पे है तो उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 क्यों? हर एज के कॉरस्पॉन्डिंग एक एज जो है वो 4 क्यूब के अंदर फंसा हुआ होता है। उसके बाद आते हैं ब्रेविस लेटिस के ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं बेटा ब्रेविस लेटिस के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। यस, पीछे और हाँ बिल्कुल सही है। ब्रेविस लेटिस के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। यस यस यस, पानी पी लूं? अच्छा भाई, कई लोगों तो यार YouTube पे ना सेटिस्फाई करवाना बड़ा मुश्किल है। कई लोग क्या होता है कहते हैं कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, कई कहते हैं थोड़ा धीरे पढ़ा दो, कई कहते हैं सर वन शॉट ले आओ। नेवर सेटिस्फाइड है। स्लिप वन, अरे 2022 का बैच चालू कर लेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो थर्मल स्टेबिलिटी का वीडियो प्राइवेट थोड़ी हो गया है, नॉट पॉसिबल, प्राइवेट हो ही नहीं सकता। मैं देख लूंगा एक बार, गलती से अगर प्राइवेट हो गया हो तो मैं करा दूंगा उसको, बट इट्स नॉट प्राइवेट, राइट। चलिए, अब ब्रेविस लैटिस क्या होता है? तो ब्रेविस लैटिस के लिए ना आपको एक टेबल दिमाग में रखना होता है, ठीक है ना। पहले मैं उसको टेबल आपको बता देता हूँ। चलिए, टेबल क्या है ब्रेविस लैटिस के अंदर, सुनिएगा। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में है। सॉलिड स्टेट से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70% 70% चांसेस है कि इस टेबल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, सुनिए, बी वेरी केयरफुल, सुनिए। अब इसको मैं हमेशा, चूंकि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो काम करते हैं अपन रट लेते हैं इसको, बहुत बढ़िया सा रट लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये ए बी सी आपको दिमाग में है, ये ए बी सी आपको दिमाग में है। ये वही क्यूबिक सेल का क्या है, एज है। ये वही क्यूबिक सेल का क्या है, एज है। ये इंटरफेशियल एंगल समझ में आ रहा है? इंटरफेशियल एंगल इन दोनों के बीच का जो अल्फा बीटा गामा बताया था, एजेस के बीच के एंगल्स। यस, चलिए अब मैं बता रहा हूं कि एक कोई, जैसे मैं टूर पे जाता रहता हूं तो वैसे ही टूर पे गया तो पूछ रहा है कि सिटी का टूर करोगे, पूछ रहा है कि सिटी का टूर करोगे, और सिटी या तो सिटी साइट सीइंग होता है ना, सिटी का टूर करोगे और किसका टूर करना चाहोगे, हिमाचल प्रदेश। अभी अभी सिटी का टूर करोगे और हिमाचल प्रदेश का टूर करने आए हो। मेरे से कोई पूछ रहा था कि आप सिटी का टूर करना पसंद करोगे और हिमाचल प्रदेश का टूर करना पसंद करोगे, तो मैं तो आपको समझ ही गया होगा मेरा आंसर, ठीक है ना। आइए समझाता हूं मैं आपको, सिटी का टूर और हिमाचल प्रदेश का टूर। आइए मैं आपको बताता हूं बेटा, सी का मतलब क्या है, सिटी का टूर और हिमाचल प्रदेश का टूर। पूरा टेबल याद करा रहा हूं और इसका मतलब भी समझा रहा हूं, सुनिए। सी का मतलब होता है बेटा क्यूबिक यूनिट सेल, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक, आर इज फॉर रोम्बोहेड्रा, फिर एच इज फॉर रोम्बोहेड्रल या फिर हेड्रा बोल दीजिए, रोम्बोहेड्रल, एच इज फॉर हेक्सागोनल, एम इज फॉर मोनोक्लिनिक और टी इज फॉर ट्राइक्लिनिक। अब सुनिए, तो सिटी और हिमाचल प्रदेश, उसे पूछा गया कि भाई सिटी घूमोगे और हिमाचल प्रदेश का टूर करोगे, कहां का टूर करोगे, तो बेटा उसने तो अब आंसर दे दिया होगा कुछ भी। अब अपना आंसर क्या है देखिए, पूछा जाता है सीधा क्यूबिक का एज का रिलेशन बताओ, क्यूबिक के इंटरफेशियल एंगल्स का बताओ, क्यूबिक के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हैं सीधा बताओ। तो अब आपको टूबरा टिप्स पे होना चाहिए, सुनिए। क्यूबिक के अंदर जो एज होते हैं ना, ए बी सी ऑल आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब सुनिएगा, सिमेट्री लिखे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, राइट वाले को नॉट इक्वल टू, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर रिपीटेटिव मोड में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर नॉट इक्वल टू सी, फिर तीनों नॉट इक्वल टू सी, ठीक है ना। और दोनों क्लिनिक है, क्लिनिक क्लिनिक सेम, क्लिनिक क्लिनिक सेम, बस खत्म कहानी। सुनिए बेटा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और फिर रिपीटेटिव मोड में, और क्लिनिक क्लिनिक सेम, तो ये वाला याद हुआ एजेस, ये वाला याद हुआ एजेस, बिल्कुल सही। नाइस। अब आते बेटा इंटरफेशियल एंगल की बात कर लेते हैं। इंटरफेशियल एंगल में क्या होता है, वो जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इन तीनों में 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सिमेट्री के हिसाब से फिर चलेंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। अब आइएगा बेटा, पहले तो ये कर लीजिएगा, यहां पे पहले इस टेबल को याद करने का सबसे सिंपल तरीका मैं बता दिया आपको कि ये तो सिमेट्री के हिसाब से चल जाएगा एजेस। इंटरफेशियल एंगल पहले तीन ये सेम, लास्ट में बेटा यहां पे देखिए तीनों ही अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यहां पे तीनों ही अलग है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको बस ये तीन का ख्याल रखना है। अब सुनिए, यहां पे जो रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा वैसे तो इक्वल हैं बट 90 के बराबर नहीं होते। रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा वैसे तो इक्वल हैं बट 90 के बराबर नहीं होते। दूसरा हेक्सागोनल, गोनल गोनल जी गोनल, दैट मींस गामा का कुछ ना वेरिएशन आएगा, हेक्सागोनल गामा का वेरिएशन आएगा। तो देखो अल्फा बीटा तो अभी 90 थे, 90 हैं, लेकिन यहां पे गामा चेंज हो जाएगा, गोनल गामा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहां गामा चेंज हो रहा है तो मोनोक्लिनिक में बीटा चेंज हो जाएगा, बस अल्फा चेंज नहीं हो रहा है। बस याद करने का एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं नंबर ऑफ यूनिट सेल। कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है? मैं अपना जैसे कि ट्रिक्स में हमेशा आलिया भट्ट पे बनाता हूं और ठीक ठाक सभी लगते हैं, तो किसी का भी जो भी आपको एक्ट्रेस पसंद है, मैं उनका पिन कोड नंबर बता रहा हूँ। कोई गिफ्ट विफ्ट भिजवाना चाहते हो, जैसे मान लो आप मुझे अगर लाइक करते हो तो मुझे भी गिफ्ट भेज सकते हो, ठीक है ना। तो अपने फेवरेट अमेजिंग एजुकेटर को इस पिन कोड पे अपना भेज सकते हो। और पिन कोड क्या है बेटा, 3241121, ठीक है ना, 3241121। बस पहुंचना नहीं है इस पिन कोड पे, ऑनलाइन ऑर्डर सब कुछ हो जा रहा है आजकल, ठीक है ना। यस, तो यू कैन सेंड मी द क्यूट गिफ्ट्स हियर, ठीक है ना। अब आपको ये पूरा टेबल याद हो गया एक तरह से, सिटी और हिमाचल प्रदेश टूर, ठीक है ना, सिटी और हिमाचल प्रदेश टूर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, देन वी हैव हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लास्ट वाला नॉट इक्वल टू, तीनों नॉट इक्वल टू, रिपीट कर दो और लास्ट वाला दोनों रिपीट कर दो। अल्फा बीटा गामा 90 तीनों, लास्ट वाला तीनों ही 90 नहीं है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए ऑर्थोरोम्बल में अल्फा बीटा गामा इक्वल है बट 90 के बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में गामा 120 हो जाएगा, और अगर यहां गामा 120 हो गया तो क्लिनिक में बीटा को चेंज करना पड़ेगा, बीटा 90 नहीं है, अल्फा गामा तो 90 है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये जो भी आपकी एक्ट्रेस की पिन कोड है 3241121, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने आ रहे हैं, तो 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 11, 2, 13, 1, 14। टोटल कितने आ रहे हैं बेटा, 14। तो कितने ब्रेविस लाइटिस हैं टोटल में, 14। आइए समझते हैं एक एक करके। अब हमें ब्रेविस लाइटिस के मार्क्स तो हमने ले लिए, 4 नंबर तो हमें मिल जाएगा ब्रेविस लाइटिस में। अब समझते हैं इसका एक्चुअल रीजन। देखो, डिपेंडिंग ऑन एज एंड इंटरफेशियल एंगल्स, हमारा जो एबीसी है और इंटरफेशियल एंगल है, उनके बेसिस पे हमने 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनाए हैं। कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम बनाए हैं, सिटी और हिमाचल प्रदेश टूर, या तो सिटी का टूर कर लो या फिर हिमाचल प्रदेश का टूर कर लो। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हमने बनाए। अब आपको ये भी पता है सी क्या है बेटा, क्यूबिक, टी क्या है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोल रहा है कि इस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द यूनिट सेल। अब इसमें अगर मैं यूनिट सेल की भी डिवीजन घुसा दूं तो मेरे पास 14 टाइप्स होगा ब्रेविस लैटिस का। कौन कौन सा बेटा, जो देखो फटाफट याद करो। इसमें क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक का क्या होगा सर, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए बेटा रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। अगर मैं हेक्सागोनल की बात करूं तो a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। बस रिपीट ही तो करना है, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। दोनों क्लिनिक बराबर हो जाएंगे, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहां पे आइए, ये तो एज की बात हो गई। अब इंटरफेशियल एंगल्स की बात कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तीनों सेम है, ठीक है। लास्ट वाले का ट्राइक्लिनिक की बात करें, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। फिर जो हमारा हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल जी गोनल गामा मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 है और जो हमारा गामा है वो 120 है, ठीक है ना। इन तीनों का तो क्लियर हो गया। इसकी बात कर लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है बट वो 90 के बराबर नहीं है। यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 है बट बीटा 90 के बराबर नहीं है। उसके बाद पिन कोड आपको याद है 3241121, कोई दिक्कत नहीं है, यस याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है, करिए फटाफट से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है मैं पढ़ाता हूं आपको। क्यूब एक स्ट्रक्चर है, क्यूब है, एक्स और वाई से मिलकर बना है। उस क्यूब में एक्स और वाई है, एक्स जो है वो कॉर्नर पे है, बहुत अच्छी बात है, जो हमारा एक्स है वो कॉर्नर पे है, बहुत अच्छा, और जो वाई है वो फेस पे है, ठीक है, वाई जो है वो फेस पे है। कॉर्नर कितना होता है तो आप सबको पता है कॉर्नर होता है 8। फेस कितना होता है तो आप सबको पता है फेस होता है 6, मैंने काम की बात में बता रखी है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू टोटल एटम 8 होते हैं कॉर्नर, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल कितने फेस होते हैं 6। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 3, एक्स कितने हैं 1, वाई कितने हैं 3, एक्स वाई 3 निकल आया, फॉर्मूला पूछ रहा था, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्स वाई है, एक्स हमारे पास कॉर्नर, वाई हमारे, मैम न्यूमेरिकल्स तो फटाफट बनने चाहिए, न्यूमेरिकल्स में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। देख लीजिए 1 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन टोटल, कंट्रीब्यूशन इंटू टोटल, यही करना है पूरे सॉलिड स्टेट में, कंट्रीब्यूशन इंटू टोटल, कंट्रीब्यूशन भी लिखा रखा है, टोटल भी लिखा रखा है, ठीक है। अब देख लीजिए इसका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, x is 1, y is 3, खत्म, आंसर। आगे बढ़ सकते हैं, फिर से पढ़ते हैं। कह रहे कि फेस सेंटर्ड लैटिस है, कोई बात नहीं, फेस सेंटर्ड लैटिस होने दीजिए। कह रहे कि x एटम जो है वो कॉर्नर पे है, अगेन सेम, x एटम जो है वो मेरा कॉर्नर पे है, अमेजिंग। जो y है वो मेरा फेस पे है, अच्छी बात है। पूछ रहा मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए अगर x एटम मिसिंग हो गया, अगर 1 x एटम मिक्सिंग होंगे, अच्छा, कॉर्नर कितने होते हैं सर 8, फेस कितने होते हैं 6, क्या है कि एक मिसिंग है कॉर्नर, 1 x एटम, x कॉर्नर वाला मिसिंग है, दैट मींस अब 8 ना रह के ये कितना हो चुका है, ये 7 हो चुका है। कंट्रीब्यूशन इनटू टोटल, भाई एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कितना है 7, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल कितना है 6। क्या ये 7/8 हुआ, क्या ये 3 हुआ। एक्स मेरे प्यारे दोस्त क्या है 7/8 और वाई क्या है बेटा 3। आप सबको पता है यहां पे मैं सिंपलेस्ट रेशियो में रखता हूं, सिंपलेस्ट रेशियो में रखने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स जो है वो 7 आ जाएगा, वाई जो है वो 24 आ जाएगा। आ जाएगा क्या, न्यूमेरिकल्स तो चुटकियों में होने चाहिए, एक्स है, कॉर्नर है, 7 है, देख लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर, यस मेरे प्यारे दोस्त। आइए सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं। एक सॉलिड है जिसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, W एटम जो है, कह रहा है एक्स वाई ना करके अब W कह दिया, W जो है वो कॉर्नर पे है, अच्छी बात है, W कॉर्नर पे है, ठीक है, तो W कॉर्नर पे है, दैट मींस 1/8 कंट्रीब्यूशन देगा। ऑक्सीजन एटम कहाँ है, सेंटर ऑफ एज पे है, एज का कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/4, ठीक है, और सोडियम जो है Na वो बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर की कंट्रीब्यूशन तो होती है 1। कितने एजेस होते हैं बेटा बताएगा कोई, कितने एजेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है संजय समझ गया, मैं समझ गया। चलिए आइए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में, कॉर्नर तो बता देता हूँ आपको, टोटल 8 होता है, एजेस कितना होता है 12, 16, 15, 11, चलो ठीक है 12, चलो अच्छी बात है, याद है आपको। ये कितना हो जाएगा, W का मतलब 1, ऑक्सीजन का मतलब 3 और सोडियम का मतलब 1, तो क्या इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं हो जाएगा Na WO3, सिंपल है ना, जितने जितने एटम से लिखते चले जाइए। कॉर्नर है, एज सेंटर है, बॉडी सेंटर है, एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन आपको पता है 1/8, एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन आपको पता है 1/4, बॉडी सेंटर की कंट्रीब्यूशन आपको पता है 1, मतलब 1/8 इंटू 8 एंड सो, देख लो आप, Na WO3, कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे मैं एनालिसिस ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल कल कराऊंगा, ठीक है ना। कल का जो अपना टॉपिक होगा वो होने वाला है एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, आप समझ रहे हैं, एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल की हम कल चर्चा करने वाले हैं। पूरे एनालिसिस हम कल करने वाले हैं और आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा। और नेक्स्ट क्लास आपका हो गया खत्म। अगर आप क्रैश कोर्स में आना चाहते हैं, इफ यू आर यू नो चाहते हैं कि और अच्छे से पढ़ के पूरा एक प्लानिंग वे में डिटेल्ड एनालिसिस करके, डाउट डिस्कशन करके, लाइव पोल लीडर बोर्ड के साथ, अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स करना, तो आप अनअकैडमी लर्निंग आप ऐप हाथों हाथ डाउनलोड कर लीजिए और जहां पे सब्सक्रिप्शन लेना होता है वहां पे बाहुबली कोड लगा दीजिए। बाहुबली कोड लगाएंगे तो एक तरह से आपको एक वर्चुअल गाइड मिल जाऊंगा मैं। अंडर माई मेंटरशिप प्रोग्राम आई विल गाइड यू हाउ टू डू, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई डाउट होगा ही नहीं। अगर आप 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2021 के एस्पायरेंट हैं, तो आपको 4 मंथ्स की बेनिफिट मिल जाएगी, मतलब तो अगस्त तक ही वैलिड रह जाएगा। ठीक है ना। और अगर आप 11th या 12th में हैं तो अभी सही समय, टाइम वेस्ट ना करें और 12 और 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर कंप्लीट करते रहे हर महीने। 7 से 8 महीने के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा रिवीजन करें, तीसरी बार रिवीजन करें अगर आपको टॉप ऑल इंडिया रैंक्स चाहिए तो। ठीक है, और टॉप ऑल इंडिया रैंक्स चाहिए तो थोड़ा सा आपको अर्ली स्टार्टर होने का फायदा मिलेगा, वो करना चाहिए आपको। ठीक है। एंड इफ यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट विल बी फार बेटर, और ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस होती है, एक एक्सपर्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे गाइडेंस करेगा आपकी। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज बाहुबली कोड, राइट। और ये टीम आपके साथ है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। आप दूसरे चैनल्स को भी देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ये तो मैंडेटरी होता है। ठीक है। यस, बहुत मजा आया, मस्त सेशन था। थैंक यू सो मच। जादू यार, नाम कैसे रखते हो। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपसे पढ़ा के बहुत मजा आता है आपको एक्चुअली। ठीक है, बिल्कुल होगा। अनअकैडमी पे भी क्लास आज हुई तो थी, सुबह 10 बजे क्लास हुई थी, कल 8:30 में भी क्लास है। अच्छा, कल 8:30 में क्लास है और कल यहाँ भी क्लास है। ठीक है, एक हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, टेंशन मत लो, दोनों होगा। आपको लगेगा कैसे होगा, लेकिन होगा, अब तो करना ही है। ठीक है। यस, पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट मैं आपको कल सुबह 8 बजे दे दूंगा, टेंशन मत लो। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल कल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है। यस, और अगर आप चाहते हैं जीओसी पढ़ना मेरे साथ, तो जीओसी में स्पेशल क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज वहां पे भी पढ़ लीजिए। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।